प्रदेश कांग्रेस में शोक की लहर है। अलवर के रामगढ़ एमएलए जुबेर खान का निधन हुआ है। आज सुबह 5:50 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और अलवर में ढाई पेड़ी पर खुद के फार्म हाउस पर उन्होंने अपनी सांसें तोड़ी। करीब 15 दिन पहले ही डॉक्टर्स की ओर से जवाब दे दिया गया था। 1.5 साल पहले उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था। 1990, 1993 और 2003 में कांग्रेस के विधायक रहे। 2013 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। तो आज रामगढ़ में शाम का समय बताया जा रहा है जब सुपोते खाक उन्हें किया जाएगा। 1 साल पहले लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था और करीब 15 दिन पहले डॉक्टर्स की ओर से जवाब दे दिया गया था। 12वीं तक की पढ़ाई अलवर से उन्होंने की और फिर दिल्ली गए। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया। पत्नी साफिया जुबेर भी राजनीति में सक्रिय हैं, विधायक भी रह चुकी हैं और जुबेर खान के इंतकाल के बाद से ही पूरे इलाके में मातम पसरा है। अलवर शहर के ढाई पेड़ी स्थित आवास पर समर्थकों और क्षेत्रीय लोगों का आना शुरू हो चुका है। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी शिवचरण फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शिवचरण, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, जैसे ही उनके पत्नी की ओर से फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी साझा की गई, उनके आवास पर तो फिलहाल समर्थकों का और क्षेत्रीय लोगों का जमावड़ा लग गया होगा। हाँ मनीषा, मैं आपको बता दूं, दरअसल क्या है, जुबेर खान जो रामगढ़ विधायक थे कांग्रेस से, ये लंबे समय से करीब 1.5 साल से बीमार चल रहे थे। इनको लीवर में इंफेक्शन हो रखा था और करीब 15 दिन पहले इन्होंने मेदांता हॉस्पिटल जो गुड़गांव में स्थित है वहां पे इन्होंने अपना लीवर का ट्रांसप्लांट करवाया था, जो कहीं एक तरीके से मान सकते हैं कि वो सक्सेस नहीं हुआ था और डॉक्टरों ने इनको बेड रेस्ट की सलाह दे रखी थी, लेकिन ये राजनीति में सक्रिय होने के चलते ये लगातार कार्य कर रहे थे और बेड रेस्ट पे ध्यान नहीं दे रहे थे। अभी मंगलवार को इनकी जब तबीयत स्थिर हुई तो इन्हें यहाँ जो ढाई पेड़ी के पास में भाखेड़ा इनका जो निवास स्थान है वहाँ इनको लेकर आए थे, जहाँ इनसे जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सभी ने इनकी कुशलक्षेम जानी। दरअसल क्या है, आज सुबह है करीब 5:30 के करीब इन्होंने अंतिम सांस ली है जो बाकेड़ा अपने निवास स्थान पे ही, और आज शाम 5 बजे के करीब इन्हें जो है रामगढ़ अपने पैतृक स्थान पे वहां पे इनका जो है सुप्रीदे खाक किया जाएगा। दरअसल क्या है, हम एक तरीके से मान सकते हैं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है जो इनकी लंबी राजनीति छात्र में से रही है। जामिया मिलिया में ये दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिक जो महाविद्यालय वहाँ ये NSUI के अध्यक्ष भी रहे हैं छात्र संघ के, और मतलब पारंपरिक कांग्रेस के एक तरीके से मुख्य रूप से कहा जाए तो ये सदस्य रहे हैं। इनके पिता बाघ सिंह जी भी सरपंच रहे हुए हैं और ये तीसरी बार अब की बार। बिल्कुल शिवचरण, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो प्रदेश कांग्रेस में शोक की लहर है और आज शाम को उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक्सपोस्ट भी आपको बता दें, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक श्री जुबेर खान का इंतकाल हम सभी के लिए गहरा दुख देने वाला है। श्री जुबेर खान अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे, आखिरी समय तक जनसेवा में लगे रहे। उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूँ। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक्सपोस्ट, जिन्होंने रामगढ़ विधायक जुबेर खान के इंतकाल पे दुख जताया है और साथ ही परिजनों को हिम्मत देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक्सपोस्ट। आपको बता दें कि जुबेर खान डेढ़ साल से बीमार चल रहे थे और एक साल पहले लिवर ट्रांसप्लांट उनका हुआ। लोकसभा के चुनाव के दौरान अधिक भागदौड़ हुई जिससे उनकी तकलीफ और बढ़ गई। फिर उनकी तबीयत बिगड़ती गई और उसके बाद आईसीयू में उन्हें भर्ती रखा गया और करीब 15 दिन पहले मेदांता के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उसके बाद बीच बीच में जयपुर लाकर उनका इलाज करवाया गया और फिर ढाई पेड़ी अलवर शहर में खुद के ही घर में आईसीयू उनके लिए तैयार करवाया गया। उनके राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो 1990 में पहली बार रामगढ़ अलवर से कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बने और तब उनकी उम्र मात्र 25 साल 4 महीने थी, यानी बहुत कम उम्र से ही राजनीति में सक्रियता उनकी रही। ए में एआईसीसी के सचिव बने और 2013 में फिर विधानसभा के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2021 में मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन वो बने। एनएसयूआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे।